हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। सोशल साइकोलॉजी का ब्लॉक वन और यूनिट वन चल रहा है और इसके अंदर हमने फर्स्ट हाफ जो है यूनिट का वो कवर कर लिया और आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक है वो है द फर्स्ट टेक्स्ट बुक्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में जो स्टार्टिंग में कुछ बुक्स आई थी जिसमें से कुछ नाम आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो अगर आप इसकी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो या इसके बारे में लिख रहे हो कहीं आंसर। तो जैसे एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी है बाय विलियम मैकडॉगल और एक है सोशल साइकोलॉजी बाय अ सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड ए रॉस। और एडवर्ड रॉस का नाम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड हम आगे भी बहुत पढ़ने वाले हैं। इन्होंने काफ़ी स्टडीज़ करी थी सोशल साइकोलॉजी में। सो अकॉर्डिंग टू ई ए रॉस, सोशल साइकोलॉजी डील्स विद यूनिफॉर्मिटीज इन फीलिंग, बिलीफ, वॉल्यूशन एंड एक्शन। यूनिफॉर्मिटीज वर टू बी एक्सप्लेन बाय द कैपेसिटीज फॉर इमिटेशन एंड सजेशन ऑपरेटिंग अमंग इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ई ए रॉस है उनके अकॉर्डिंग सोशल साइकोलॉजी किससे डील करती है कि लोगों की फीलिंग्स और उनके बिलीफ और उनके एक्शंस, इन सब चीज़ों में कितनी यूनिफॉर्मिटी है, वो एक दूसरे को कितना कॉपी करते हैं, कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। और ये कलेक्टिवली होता है, कलेक्टिवली मतलब जब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ एक ग्रुप में होते हैं या दो लोग एक साथ हैं, तीन लोग एक साथ हैं और वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये इन्होंने बात करी थी एडवर्ड रॉस ने। और मैकडॉगल्स की भी थ्योरी है जिसमें वो कह रहे थे कि इन प्रपोज दैट इनबॉर्न इंस्टिंक्ट्स आर द कॉज ऑफ सोशल बिहेवियर। In his views, tendency of imitation and suggestion are rooted in their biological nature. McDougall ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं इनबॉर्न होते हैं, वो उनके अंदर एक इमिटेशन मतलब कॉपी करने का, बड़ों को कॉपी करने का और एक ये आदत होती है कि दूसरों को देख के सीखने का, उनकी टेंडेंसी होती है ये। इसलिए जो है हम एक कलेक्टिवली एक सोशल सोसाइटी में जो भी बिहेव करते हैं वो एक दूसरे से देखकर, एक दूसरे से सीखकर ही हम आगे उस तरीके से बिहेव करते हैं। सो इसके बाद ये दोनों मेन चीज़ें हो गई। तो आप अगर इनकी बुक्स के बारे में लिखते हो तो थोड़ा बहुत आप इनके व्यूज़ के बारे में भी साथ में लिख सकते हो। देन उसके बाद आता है द बिगनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स जब होने लगे सोशल साइकोलॉजी में, एक तो होता है कि हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, फिर आते हैं कि इसमें एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट कैसे शुरू हुए थे। सो यहाँ पे जो एक नाम इम्पॉर्टेंट है वो है नॉर्मन ट्रिपलेट। नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1897 में एक्सपेरिमेंट किया था और इसका नाम है द डायनेमोजेनिक इफेक्ट्स ऑफ पेस मेकिंग। ठीक है, ये इट वॉज द फर्स्ट स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस दैट इज़ अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। ये पहली बार ही ऐसा एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें ये देखा गया था कि किसी एक पर्सन की परफॉर्मेंस दूसरों के होने से कैसे इफेक्ट होती है। वो अकेला परफॉर्म करता है तो कैसे करता है और किसी और के होने से उसकी परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है क्योंकि ये पहली स्टडी थी जो करी गई थी सोशल साइकोलॉजी में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है आपका नॉर्मन ट्रिपलेट का। उसके बाद ऑलपॉट कंपेयर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग अलोन विद दैट ऑफ पर्सन वर्किंग इधर बिफोर एन ऑडियंस और इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स एंगेज इन द सेम एक्टिविटी। यहाँ पे ऑलपॉट ने भी, ऑलपॉट मतलब यहाँ पे फ्लॉयड ऑलपॉट की बात हो रही है, इन्होंने भी स्टडी किया था कि लोगों की परफॉर्मेंस अकेले कैसी होती है और ऑडियंस के सामने कैसी होती है। तो उनको फाइनली क्या मिला था, ही फाउंड दैट लेटर कंडीशन ऑफन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। लेटर का मतलब बाद वाली कंडीशन, मतलब जब वो किसी के सामने परफॉर्म करते हैं, ऑडियंस के सामने, तो उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना कि ऑलपोर्ट की स्टडी में यह पता चला था कि अगर हम अकेले परफॉर्म करते हैं तो हम थोड़ा सा नॉर्मल और थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर हमें पता होता है कोई हमें देख रहा है, कोई ऑडियंस सामने बैठी है, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाती है, पहले से बेटर हो जाती है। तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट। सोशल फैसिलिटेशन का मतलब है कि दूसरों के होने से, सामने होने से हमारी परफॉर्मेंस और बेटर हो गई। ठीक है,
In 1924, Alport published the first social psychology textbook making extensive use of experimental research. तो जब इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी तो उसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज करके उसके बारे में पब्लिश किया था. देन उसके बाद और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस हुई थी और स्टडीज़ हुई थी लोगों के एटीट्यूड्स पे, सोशल नॉर्म्स पे, एग्रेशन पे, लीडरशिप स्किल्स पे, सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि कन्फर्मिटी पे. कन्फर्मिटी मतलब दूसरों की बातों को कितना मानना. अगर आप एक ग्रुप में हो तो आप अपनी ग्रुप में एक दूसरे की बात को मान के कैसे बिहेव कर रहे हो. ग्रुप सारा ग्रुप एक चीज़ करने के लिए तैयार है तो आप भी उस चीज़ के लिए मान जाते हो, तो वो सब कन्फर्मिटी में आ जाता है. ओके तो उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं. ये पैराग्राफ में कुछ इम्पोर्टेंट है. In 1948, a revolution got underway in social psychology. Precursor to this change was the establishment of Research Center for Group Dynamics at MIT. MIT में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है. और इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, कर्ट लुइन आपको पता ही है, हमने कर्ट लुइन के बारे में ऊपर भी पढ़ा है. उनको फादर ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी बोला जाता है. ऐसा क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि एक तो उन्होंने सबसे पहले वो इक्वेशन दी थी जिसमें उन्होंने बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट के बारे में, फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था. दूसरा, इन्होंने ये जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कैम्ब्रिज में, यहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया था जिसमें किस ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर रिसर्च हो रही थी. ग्रुप डायनामिक्स मतलब ग्रुप के बिहेवियर के ऊपर. तो इसलिए इनको, कर्ट लुइन को ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल वर्क्स ड्यू टू द एफर्ट ऑफ कर्ट लुइन पुट सोशल साइकोलॉजी एज साइंस इन अ मोर एडवांटेजियस पोजिशन. तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होने लगी थी तो अब तो और ज़्यादा ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो गई थी कि जो सोशल साइंस है वो एक साइंस है, सोशल साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, क्योंकि उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, लेबॉरेटरी में इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं, जो कि एक साइंटिफिक मेथड से ही होता है. उसके बाद आगे चलते हैं इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पे. फिर आ जाते हैं यहाँ पे ये वाली जो थ्योरी है, मिडल रेंज थ्योरी. अब कुछ थ्योरीज हैं यहाँ पे जो हमने इम्पोर्टेंट है डिस्कस करनी, जिसमें से एक है मिडल रेंज थ्योरी और द नीड ऑफ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन इन सोशल साइकोलॉजी एरियाज गिव बर्थ टू थ्योरी स्पेसिफिकली डिजाइन टू बी अप्लाइड इन द एरिया ऑफ सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च. मिडल रेंज थ्योरीज क्या है, कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब आप उसके बेस पे थ्योरीज तो लिखोगे ना, जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं अब उसके बेस पे कुछ थ्योरीज तो बनेंगी. अब वो सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च की थ्योरीज हैं और उसको इन्होंने नाम दिया है मिडल रेंज थ्योरीज. द आइडिया फॉर क्रिएटिंग मिडल रेंज थ्योरी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय रॉबर्ट मर्टन. बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम आ रहे हैं आपको जो याद करने हैं, आप एक जगह लिस्ट बना लो किसने क्या चीज़ करी थी, ताकि आपको ये नामों में कंफ्यूजन ना हो. तो रॉबर्ट बर्टन ने पहली बार ये आइडिया दिया था कि मिडल रेंज थ्योरी डेवलप करनी चाहिए. मिडल रेंज थ्योरीज आर दी थ्योरीज दैट अकाउंट फॉर अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर एंड डू नॉट ट्राई टू एनकंपास ऑल ऑफ सोशल लाइफ. मतलब एक सोशल बिहेवियर के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करती है ये थ्योरी. सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरीज टेंड टू बी स्पेसिफिक एंड फोकस्ड रेदर देन ग्लोबल एंड जर्नल. द फील्ड थ्योरी ऑफ कर्ट लुइन इज ऑफन कंसिडर्ड अ मॉडल ऑफ मिडल रेंज थ्योरी. अब जैसे हमने जो पढ़ी थी फील्ड थ्योरी जो हमने डिस्कस करी थी कर्ट लुइन की, वो भी एक इसी का एग्जाम्पल है मिडल रेंज थ्योरी का, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक और एक फोकस्ड चीज पे थ्योरीज बनी होती है, ना कि ग्लोबल मतलब पूरी ग्लोबली और पूरा एक जनरल चीज नहीं होती. जैसे जनरली एक्सपेरिमेंट्स में हम जब थ्योरीज बनाते हैं तो वो हम उसको जनरल कर देते हैं कि ये सबके लिए ट्रू है, लेकिन सोशल साइकोलॉजी में जो थ्योरीज बनती हैं ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड या स्पेसिफिक लोगों के या स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होती है और फोकस्ड होती है, आप उसको हर चीज पे जनरलाइज नहीं कर सकते. तो इसलिए इनका नाम दे दिया था मिडल रेंज थ्योरीज. और कर्ट लुइन की फील्ड थ्योरी उसका ही एक एग्जांपल है.
अब कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जैसे थ्योरीज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, थ्योरीज ऑफ एग्रेशन है, एटीट्यूड है, ये सारी थ्योरीज किस में आएंगी? ये मिडल रेंज थ्योरीज में आएंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रही है, फ्रस्ट्रेशन पे कर रही है, एटीट्यूड पे कर रही है, ठीक है? तो मिडल रेंज थ्योरी का ये मतलब है. एट प्रेजेंट द थ्योरीज ऑफ मिडल रेंज आर मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड. अभी आपको चार इसमें पढ़नी है मोस्टली, जो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है. एक तो बिहेवियरिज्म के ऊपर है, साइको एनालिसिस के ऊपर है, कॉग्निटिविज्म के ऊपर है और इंट्रैक्शनिज्म के ऊपर है. तो ये चार जो थ्योरीज हैं ये हमने मिडल रेंज थ्योरीज में अभी हम देखेंगे. द थ्योरीज फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट ऑफ बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस एंड कॉग्निटिज्म आर द सोशल साइकोलॉजिकल वेरियंट्स ऑफ मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिकल थॉट एंड इंट्रैक्शनिज्म रिप्रेजेंट्स थ्योरीज मेनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो ये तीन पार्ट हैं ये तो साइकोलॉजी से लिए हुए हैं और जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है वो सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है. अब यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसको देखो. मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड देयर रिलेशन टू सोशल साइकोलॉजी, ये थ्योरीज हैं और उसका सोशल साइकोलॉजी से क्या रिलेशन है इस टेबल में समझाया हुआ है. जैसे पहले टेबल में है द इंडिविजुअल इन सोसाइटी, ठीक है? अगर एक पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो साइको एनालिटिक थ्योरी और उसका क्या रिलेशन है सोशल साइकोलॉजी से. मॉडल ऑफ मैन होमोवेलेंस, मतलब मैन को यहाँ पे इन्होंने होमोवेलेंस बोला हुआ है, द स्ट्राइविंग मैन, मैन एज द क्रिएटर ऑफ सोसाइटी रैदर देन इट्स प्रोडक्ट्स. साइको एनालिटिक थ्योरी ये कह रही है सोशल साइकोलॉजी में अगर उसको लिया जाए कि जो मैन है इंडिविजुअल है वो होमोवेलेंस है, स्ट्राइविंग मैन है. स्ट्राइविंग मैन मतलब वो अपनी जगह खुद बना लेता है, वो क्रिएटर सोसाइटी क्रिएट कर लेता है अपने लिए, वो अपने सोसाइटी को खुद क्रिएट करता है, ना कि वो उससे बना हुआ है, वो उसका प्रोडक्ट नहीं है, वो अपनी सोसाइटी को खुद क्रिएट करता है. कॉग्निटिव थ्योरी क्या कह रही है, होमोसेपियन, ये होमोवेलेंस बोल रही थी, कॉग्निटिव थ्योरी बोल रही है होमोसेपियन. होमोसेपियन मतलब थिंकिंग मैन, जो सोच सकता है. सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड इन मैंस एक्सपीरियंस एज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ स्पेस. तो ये जैसे हमने कर्ट लुइन की फील्ड थ्योरी में भी देखा था कि इसमें सोसाइटी को उसका लाइफ स्पेस बताया हुआ है कि ये मैन है जो सोच सकता है, जिसके पास थिंकिंग पावर है, कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, और ये जो सोसाइटी है ये उसकी लाइफ स्पेस है. बिहेवियरिस्टिक थ्योरी ये कह रही है होमो मैकेनिकस, मैन कौन है, रिएक्टिव मैन है, रिएक्ट करता है अपनी कंडीशंस पे, रिएक्ट करता है. सोसाइटी उसको एक स्टिमुलस प्रोवाइड करती है दैट ऑपरेट एज क्यूज एंड रीइंफोर्सर्स फॉर बिहेवियर. सोसाइटी उसको एक स्टिमुलस देती है और वो उसी स्टिमुलस को क्यूज की तरह यूज करता है और रीइंफोर्सर की तरह यूज करता है, जिससे वो बिहेव करता है. तो ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो ये हो गया इंडिविजुअल इन द सोसाइटी के बारे में. उसके बाद है इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल साइकोलॉजी में. साइको एनालिटिक थ्योरी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, क्रॉस कल्चर कंपेरिजन ऑफ चाइल्ड रेयरिंग, अग्रेशन बिहेवियर, इंटरपर्सनल आइडेंटिफिकेशन. ये सारी चीज़ें जो हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ये सारी साइको एनालिटिक थ्योरी से कॉन्ट्रीब्यूट होती है. किसी की पर्सनालिटी पढ़ रहे हो, कैसे वो सोशलाइज कर रहा है, कैसे दूसरे कल्चर का हमारे कल्चर पे, हमारे बच्चों पे क्या असर हो रहा है, एग्रेशन किस वजह से हो रहा है, इंटरपर्सनल आइडेंटिफिकेशन, एक दूसरे के साथ हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फैमिली के अंदर किस तरह की इंटरेक्शन है. तो ये सारी कहाँ से आई है, साइको एनालिटिक की फील्ड से आई है, सोशल साइकोलॉजी में. कॉग्निटिव से क्या है, स्टडी ऑफ एटीट्यूड, वैल्यूज, लैंग्वेज, थॉट, जितने भी हमारे ये कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी से आई हुई है, जो कि सोशल साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है. और उसके बाद बिहेवियरिस्टिक से क्या आया हुआ है, जैसे बिहेवियर में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, थ्योरेटिकल होता है, सोशलाइजेशन देखा जाता है, और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला तो आपको पता ही होगा कि बिहेवियरिज्म में हमने कंडीशनिंग भी पढ़ा हुआ है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला. तो वो सारा जो सोशल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं वो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है. और अभी इनका क्या स्टेटस है सोशल साइकोलॉजी में, तीनों में से किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो साइको एनालिटिक का सिग्निफिकेंस थोड़ा कम होता जा रहा है, कॉग्निटिव थोड़ा स्टेबल है और बिहेवियरिस्टिक का सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है.
तो ज्यादातर अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है वो बिहेवियरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा मिल रही है सोशल साइकोलॉजी में, क्योंकि सोशल भी एक तरीके से बिहेवियर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, तो यहाँ पे ये तीनों की स्टेटस है करंट। उसके बाद आते हैं क्लार्क लियोनार्ड हल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, लिबरेशन ऑफ द थ्योरी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन ऑफ नॉर्मन मिलर एंड जॉन डॉलर्ड। तो यहाँ पे एक और थ्योरी आ गई है, ये है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन नॉर्मल मिलर की और जॉन डॉलर्ड की, इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिहेवियरिज्म, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म ऑफ टू सोशल साइकोलॉजी। मतलब ये इस वाली चीज की बात कर रहे हैं कि बिहेवियरिज्म के अंदर एक जो स्टडी हुई थी उसने सोशल साइकोलॉजी में बहुत हेल्प की थी, और वो स्टडी थी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी जो कि नॉर्मन मिलर और जॉन डॉलर्ड ने की थी। नियो बिहेवियरिज्म सीक्स टू क्रिएट स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रिसर्च इन सोशल साइकोलॉजी इन्वॉल्विंग थोरली साइकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू। अब यहाँ पे ये सब आप अभी इसको छोड़ दो, ये एग्जाम्पल आपको बिहेवियरिज्म का मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अच्छा थोड़ी देर में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये थ्योरी एक्चुअली में है क्या, हम बाद में इसके ऊपर आते हैं, पहले इसको मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देती हूँ, पहले आगे चलते हैं, फिर ये भी डिस्कस कर लेंगे कि ये थ्योरी क्या थी जिसका नाम है कि फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी है वो क्या है। कॉग्निटिज्म में क्या था कि जो सोशल साइकोलॉजी है ना वो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी से शुरू हुई थी, और फील्ड थ्योरी जो थी कर्ट लुइन की उससे शुरू हुई थी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बार बार नाम आ रहा है फील्ड थ्योरी का, तो ये आपने जब भी आप आंसर लिखते हो तो फील्ड थ्योरी कहीं ना कहीं अपने आंसर में ज़रूर मेंशन करनी है एग्जाम्पल के साथ। द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव बैलेंस स्टेट्स दैट, तो एक यहाँ पे थ्योरी है जिसका नाम है कॉग्निटिव बैलेंस, स्टेट्स दैट मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इज डिमांड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी काम करने के लिए मैन तब मोटिवेट होता है जब वो अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बैलेंस में रखना चाहता है। तो ये कॉग्निटिव बैलेंस की थ्योरी है जो कॉग्निटिविज्म से सोशल साइकोलॉजी में आई है। द थ्योरी ऑफ बैलेंस स्ट्रक्चर्स बाय फ्रिट्स हाइडर, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय थियोडोर न्यूकॉम। तो ये कुछ कुछ थ्योरीज हैं और उनके नाम हैं। कॉग्निटिज्म एम्फसाइज द रोल ऑफ ह्यूमनाइजेशन इन सोशल साइकोलॉजी अंडरलाइनिंग द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेंटल फॉर्मेशन। अब ये सारा आप पैराग्राफ रहने दो क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आप अपने आंसर्स में नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, दो तीन एग्जांपल्स आप याद कर लेना कि जैसे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन वाली, और कॉग्निटिव थ्योरी है फील्ड थ्योरी, याद कर लो फील्ड थ्योरी कॉग्निटिव में ही आती है, और आप और ज़्यादा लिख सकते हो तो कॉग्निटिव बैलेंस थ्योरी को थोड़ा सा आप लिख लेना। तो उसके आगे आप चलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे, ये एक्चुअली इन्होंने समरी दे दी है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, सोशल साइकोलॉजी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है उसकी समरी है। तो सोशल बिहेवियर स्टेम फ्रॉम इननेट टेंडेंसी, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि स्टार्टिंग में कैसे ये स्टार्ट हुआ था सोशल बिहेवियर के बारे में, सोशल फैसिलिटेशन इफेक्ट था। ये शॉर्ट में इन्होंने वही सब दिया है जो एक्चुअली में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यही दिखाया हुआ है इन्होंने कि स्टार्टिंग में उसके जो एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस था, एम्फेसाइज एक्सपेरिमेंटेशन पे था, और सोशल नॉर्म्स और कन्फॉर्मिटी के बारे में ही बात हो रही थी, और जो कर्ट लुइन है उनका लीडरशिप एंड ग्रुप रिलेटेड प्रोसेस वो सब चल रहा था। उसके बाद 1940 और 60 के बीच में सोशल बिहेवियर पे रिसर्च हुई थी, और 1948 में जो है एक रेवोल्यूशन था, दैट मींस रेवोल्यूशन गॉट अंडर वे फेवरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज थॉटफुल एंड पर्पसिव रेदर देन गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट। यहाँ पे ये बोला था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना वो थॉटफुल, उनका जो भी बिहेवियर होता है वो बहुत थॉटफुल होता है, बहुत सोच के बिहेव करते हैं, और पर्पसिव होता है, किसी पर्पस के लिए बिहेव करते हैं, ना कि एक जनरली इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट से कौन बिहेव करता है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अपने इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं, ना कि सोच के या किसी पर्पस से। लेकिन यहाँ पे 1948 में इस चीज़ को बदल के बोल देता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो थॉटफुल और पर्पसिव होता है।
और कर्ट लुइन एक्सपेरिमेंटल वर्क ड्यू टू द एफर्ट ऑफ कर्ट लुइन पुट सोशल साइकोलॉजी एज अ साइंस, और कर्ट लुइन का जो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क था उसकी वजह से ये और ज्यादा साइंटिफिक कैटेगरी में आ गया था. देन उसके बाद 1970 और 1980 में रैपिड पेस चेंज ऑफ द लास्ट डिकेड एक्सेलरेटेड न्यू टॉपिक्स एंड पर्सपेक्टिव. अब इसमें न्यू टॉपिक्स आ गए थे, जैसे एट्रीब्यूशन थ्योरी आ गई थी जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी इंक्लूड हो गई थी, तो ये कुछ और चीज़ें इसमें ऐड होने लगी थी. और इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती थी, पर्सनल हेल्थ पे, लीगल प्रोसेसेस में, वर्क सेटिंग में जहाँ पे आप काम, आपके ऑफिस में जहाँ काम करते हैं, एजुकेशन में, पॉपुलेशन की स्टडी करने में, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो गई थी जो भी रिसर्च पढ़ी जा रही थी. 1990 और उसके बाद टू मेजर ट्रेंड्स फ्रॉम दी पास्ट डिकेड कंटिन्यू. पिछले दो ट्रेंड कंटिन्यू होते गए, एक तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का जो इन्फ्लुएंस था सोशल साइकोलॉजी में, और स्टडी ऑफ इफेक्टिव स्टेट्स इन डिटरमाइनिंग सोशल बिहेवियर. इफेक्टिव का मतलब है इमोशनल, तो एक कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कंटिन्यू हो रहा था पिछले उसमें से, और दूसरा इमोशनल, इन्होंने इमोशनल एस्पेक्ट को ले लिया था सोशल बिहेवियर में. और करंट ट्रेंड में क्या है, इवोल्यूशनरी सोशल साइकोलॉजी, द चेंजिंग वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर, न्यूरोकॉग्निटिव पर्सपेक्टिव एंड सोशल बिहेवियर. ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे अभी फ़िलहाल रिसर्च चल रही है. तो आप इसमें से अगर आपको जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आता है क्वेश्चन, तो आप पूरा इस तरीके से तो याद नहीं कर सकते हो जैसे इन्होंने पॉइंट वाइज पॉइंट्स दे दिए हैं उसमें, लेकिन आप दो तीन चीज़ें हर उसमें ईयर में लिख सकते हो. जैसे इस ईयर में आप मैकडॉगल का नाम ज़रूर लिख देना, और ये वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन डाल देना, सोशल नॉर्म्स और कन्फॉर्मिटी डाल देना. और फिर उसके बाद 1940-60 में एक तो आपने ये बताना है कि जो 1948 में रेवोल्यूशन हुई थी, प्लस कर्ट लुइन के बारे में बता देना कि इन्होंने उसको एक मोर एडवांटेजियस पोजीशन पे ला दिया था सोशल साइकोलॉजी को. 70 और 80 में मेनली बताना है कि और थ्योरीज आ गई थी जैसे एट्रीब्यूशन, जेंडर डिफरेंसेस, और इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होने लग गई थी. 1990 में क्या था, दो चीज़ों को लेके चल रहे थे, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को, दूसरा अफेक्टिव इमोशनल. और करंट ट्रेंड में इवोल्यूशनरी सोशल साइकोलॉजी है, मतलब अभी और इवॉल्व हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं, नई नई चीज़ें ऐड हो रही है, जैसे न्यूरोकॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आ गया है, सोशल बिहेवियर. तो इस तरीके से जो मेन मेन चीज़ें मैंने अंडरलाइन करी है यहाँ पे, यही आप पॉइंट्स उसको समराइज करके लिख सकते हो. तो यहाँ पे टॉपिक के बाद ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लो. व्हाट इज़ मास साइकोलॉजी, डिस्कस दी पब्लिकेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स. तो दो तीन जो टेक्स्ट बुक्स हमने डिस्कस करी थी इंपॉर्टेंट वाली है वो आप लिख दो. फिर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्ट हुए थे. देन मिडल रेंज थ्योरी क्या होती है कोई एग्जाम्पल के साथ. और उसके बाद थ्योरीज इन सोशल साइकोलॉजी कौन कौन सी हैं, तो ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आप खुद करोगे. उसके बाद आते हैं सोशल साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन के ऊपर, दूसरे डिसिप्लिन्स कौन से हैं सोशल साइकोलॉजी में. सो इन ब्रॉडेस्ट टर्म द सेंट्रल टास्क ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव फिनोमिना. तो ये डेफिनेशन दो तीन बारी हम घूम घूम के पढ़ चुके हैं, अलग अलग टर्म्स में लिखी हुई है बार बार सेम चीज़ कि एक सिस्टमैटिक स्टडी है, रिलेशन है इंडिविजुअल का अपने ग्रुप के साथ, कलेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, मैनी स्कॉलरली फील्ड स्टडी सोशल बिहेवियर विद सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशो लिंग्विस्टिक. ये सारे ही आप देख लो, ये ऐसे सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें लोगों के ऊपर ही पढ़ा जा रहा है, सोसाइटी के ऊपर ही स्टडीज़ करते हैं. तो सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, डिफर फ्रॉम डिसिप्लिन दैट स्टडी लार्ज स्केल सोसाइटल प्रॉब्लम्स एंड फ्रॉम दोज दैट फोकस ऑन द इंडिविजुअल. सोशल साइकोलॉजी ना तो लार्ज स्केल पर सोसाइटल प्रॉब्लम पड़ती है, ना सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ती है. सोशल साइकोलॉजी दोनों के बीच में आती है, वो एक इंडिविजुअल को उसके सोसाइटी के साथ लेकर पढ़ती है. तो ना तो पूरे लार्ज स्केल सोसाइटी को पढ़ रही है अकेले, ना ही अकेले इंडिविजुअल को पढ़ रही है. सोशल साइकोलॉजी दोनों को साथ में लेके स्टडी करती है. सोशल साइकोलॉजी इज डिलिनिएटेड फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ सोशल स्टडी बाय बोथ इट्स मेथड एंड इट्स अप्रोच. सोशल साइकोलॉजी का मेथड और उसका अप्रोच टोटली डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से जो लोगों के बारे में या सोसाइटी के बारे में स्टडीज़ करते हैं, उनसे अलग है थोड़ा सा.
और इसमें तीन लेवल पे एनालिसिस होता है. थ्री डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड व्हिच टेल अस अबाउट डिफरेंसेस इन द अप्रोच. अब ये तीनों लेवल है ना, ये तीनों लेवल ये बताते हैं कि कैसे सोशल साइकोलॉजी डिफरेंट है बाकी फील्ड से. तो यहाँ पे एनालाइज किया हुआ है इसको तीन अलग अलग लेवल पे जाके, तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम भी यहाँ पे एक बार. तो पहला लेवल है इसमें सोसाइटल लेवल. सोसाइटल लेवल का मतलब है जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं सोशल बिहेवियर का, और जैसे फैक्टर्स होते हैं कि इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब इकोनॉमी कैसी चल रही है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स, आपस में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के. और सोशियोलॉजिस्ट होते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो यही सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में लोग कैसे किस तरीके से बिहेव करते हैं. जैसे कि होमिसाइड रेट्स हैं, जो एक दूसरे को जो मर्डर कर देते हैं लोग, वोटिंग बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर का स्पेंडिंग बिहेवियर कैसा है. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये इनका एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो किस तरीके से स्टडी करते हैं जब वो सोसाइटल लेवल पर एनालिसिस करते हैं. फिर आता है इंडिविजुअल लेवल का एनालिसिस. इंडिविजुअल लेवल एनालिसिस में इज यूज बाय क्लिनिकल एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट हु एक्सप्लेन द बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ पर्सन यूनिक पर्सनैलिटी. अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, एक इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है, और ये क्लिनिकल या पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट करते हैं एक पर्सन की पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, और उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, उसके मोटिव्स के बारे में, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती हैं उसको. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, एबिलिटी, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता है जब इंडिविजुअल लेवल पे एनालाइज करते हैं. एट दिस लेवल ऑफ एनालिसिस वायलेंट क्राइम्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ यूनिक हिस्ट्रीज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिमिनल. अब देखो यहाँ पे अगर क्राइम की बात करें सोसाइटल लेवल पे, तो वो एक यहाँ पे बड़े लेवल पे देखा जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके से लोग क्राइम कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. इंडिविजुअल लेवल पे एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि इसकी कैसी लाइफ हिस्ट्री थी, इसके कैसे एक्सपीरियंसेस थे, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो क्राइम कर रहा है. तो ये दोनों में ये फ़र्क है, सोसाइटल लेवल हो गया फिर इंडिविजुअल लेवल हो गया. अब तीसरा जो लेवल आता है वो आता है इंटरपर्सनल लेवल एनालिसिस. इंटरपर्सनल में क्या आ जाता है, एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक पर्सन की सिचुएशन को सोशल सिचुएशन के साथ लेकर एनालिसिस करता है. द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सोशल सिचुएशन आर दी अदर पीपल. दूसरे लोगों का उससे क्या रिलेशन है, उनके क्या एटीट्यूड है, उनका क्या बिहेवियर है, उनके साथ एक इंडिविजुअल का क्या रिलेशन है. तो ये इंटरपर्सनल हो गया. द एम्फेसिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया चेंज द सोशल कॉन्टेक्स्ट इंडिविजुअल विल चेंज. मतलब यहाँ पे बेसिकली इनका फोकस ये होता है कि अगर आप सोशल कॉन्टेक्स्ट बदल दोगे तो इंडिविजुअल अपने आप बदल जाएगा. जिस सोशल कॉन्टेक्स्ट में या जिस सोसाइटी में या जिस कल्चर में, जिस बैकग्राउंड में इंडिविजुअल है, अगर आप उसको चेंज कर दोगे तो इंडिविजुअल अपने आप चेंज हो जाएगा. To understand the violent crime, social psychologist might consider the interpersonal relationship. अब यहाँ पे क्या है, वो ना तो सोसाइटी के ऊपर सिर्फ फोकस करेगा सोशल साइकोलॉजिस्ट, ना इंडिविजुअल के ऊपर, वो इंटरपर्सनल रिलेशन के ऊपर फोकस करेगा कि दूसरों के साथ उसका कैसा रिलेशन था. अगर वो ये जानना चाहते हैं कि उसने क्राइम क्यों किया, तो ये इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस बताया है कि कैसे एक सोशियोलॉजिस्ट या इकोनॉमिक्स काम करते हैं, कैसे एक साइकोलॉजिस्ट काम करता है, और कैसे सोशल साइकोलॉजिस्ट काम करता है. ठीक है, उसके बाद है अमेलगेमेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी. मतलब दोनों का मिक्सचर क्या है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मिक्सचर, अमेलगेमेशन मतलब दोनों को मिक्स करके. सो इट बोरोज एंड यूजेस कॉन्सेप्ट फ्रॉम बोथ डिसिप्लिन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी. इतना तो अब हमें समझ आ गया है कि सोशल साइकोलॉजी दोनों से कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, साइकोलॉजी से भी और सोशियोलॉजी से भी. फॉर अ सोशियोलॉजिस्ट द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस इज सोशल सिस्टम. एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए एनालाइज करने का बेसिक यूनिट क्या है, सोशल सिस्टम है. एक साइकोलॉजिस्ट के लिए एनालाइज करने का बेसिक यूनिट क्या है, इंडिविजुअल है. लेकिन इंडिविजुअल और सोशल सिस्टम जो है ना,
cannot be studied without reference to each other, मतलब एक दूसरे के बिना, क्या आप एक person की study अकेले कर सकते हो बिना उसके family वालों के जान पहचान के, बिना उसकी culture के, बिना उसके जहाँ वो जा रहा है पढ़ने या काम करने, अगर वो सब चीज़ें आप ना जानो तो क्या आप अकेले individual को study कर सकते हो? नहीं कर सकते. ऐसे ही एक society को study करने के लिए क्या आप individuals को उसमें से हटा सकते हो? तो सोशल साइकोलॉजी यही बोलती है कि दोनों को जब तक एक साथ नहीं लेंगे तब तक उसको पूरी तरह स्टडी करना बहुत मुश्किल है, उसको कंप्लीट नहीं बोला जाएगा. फिर द डिफरेंस में लाइन द एंगल ऑफ अप्रोच. तो यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी का जो अप्रोच करने का तरीका है वो अलग है, पर्पस अलग है और फोकस अलग है. वेरियस व्यूज गेव बर्थ टू टू फॉर्म्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी. अब यहाँ पे दो आ जाते हैं, एक अगर हम साइकोलॉजी से ले तो हो जाती है साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी, दूसरा अगर हम सोशियोलॉजी से लें तो ये हो जाती है सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन यहाँ पे इन दोनों को ही हमने सोशल साइकोलॉजी में ऐड कर दिया. पहला हमने ले लिया साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी, दूसरा हमने ले लिया सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी. अब अगर सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मास फिनोमिना ऑफ साइकी, द साइकोलॉजी ऑफ क्लासेस एंड लार्ज सोशल ग्रुप्स, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप मेंटालिटी. अब सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजी ये कह रही है, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं कि अगर हम सोशल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि मास फिनोमिना क्या है, सबकी सोच कैसी है, साइकी मतलब सोच, कि सारे लोगों की एक साथ सोच कैसी होती है, क्लासेस क्या होती हैं, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी मेंटालिटी, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम. ये तो बोल रहा है सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा है कि इंडिविजुअल एक सेंटर में होता है और फोकस उसकी मेंटल पिक्युलैरिटीज पे होती है कि वो उसकी मेंटल पोजिशन कैसी है इंडिविजुअल की. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. इसमें दोबारा से यहाँ पे इन्होंने इसको अलग से लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी PSP एम्फेसाइज अपॉन सब्जेक्ट्स मेंटल प्रोसेस, मतलब एक इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेस पे फोकस करता है. डिस्पोजिशंस, उसके आदतें कैसी हैं, उसके अंदर के जीन्स कैसे हैं, उसकी हेरिडिटी कैसी है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी इमीडिएट सोशल सिचुएशन क्या है. सोशियोलॉजिकल सोशल साइकोलॉजी किस पे फोकस कर रहा है, सब्जेक्ट्स प्लेस इन सोशल ऑर्डर, वो अपने प्लेस में सोशल ऑर्डर में कहाँ आता है, उसका सोशलाइज रोल क्या है, उसकी हिस्टोरिकल सोशल कंटेक्स्ट क्या है. तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये दो पॉइंट जो हैं वो याद करने पड़ेंगे. और कन्फ्यूजन यहाँ पे मत करना, कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये टोटली साइकोलॉजिकल बेस्ड बता रहे हैं और यहाँ पे टोटली सोशोलॉजिकल बेस्ड डेफिनेशन बता रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू सोशल, अच्छा एक तीसरा यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एक और अप्रोच है जो दोनों पे सिंथेसाइज करते, दोनों को जोड़ के इन्होंने बोला हुआ है कि सोशल साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज बोथ मास मेंटल फिनोमिना एंड पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप. इन दोनों को जोड़ दिया इन्होंने, ये वाला प्लस ये वाला, दोनों को जोड़ के यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एक तीसरी अप्रोच है जो ये बोल रही है कि सब्जेक्ट का मेंटल फिनोमिना तो स्टडी करते ही हैं, मास का भी करते हैं, लेकिन एक उसको इंडिविजुअल को ग्रुप में रख के करते हैं. तो इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल PSP भी आ जाती है, SSP भी आ जाती है. तो आगे ये क्वेश्चंस आ गए हैं, डिस्कस सोशल साइकोलॉजी एज रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स, वट आर द 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, वट इज सोसाइटल लेवल एनालिसिस, इंडिविजुअल एंड इंटरपर्सनल, और फाइनली अमेलगमेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी टू मेक सोशल साइकोलॉजी, मतलब इन दोनों को मिक्स करके कैसे फाइनली सोशल साइकोलॉजी बनी थी. और उसके बाद इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है इंटर डिसिप्लिनरी वर्सेज इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोचेज. तो इंटर डिसिप्लिनरी मतलब उसके अंदर, उसके बाहर के जो डिसिप्लिन है उसको लेकर, और इंट्रा मतलब उसके अंदर के जो डिसिप्लिन है उसको लेकर. तो इसको अभी लास्ट टॉपिक है तो इसको भी डिस्कस करके ख़त्म करते हैं. यहाँ पे द इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच एम्फेसाइज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स
फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिनस, मतलब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है वो क्या करती है, जो कि और जो दूसरे डिसिप्लिनस हैं, दूसरी फील्ड्स हैं, जो उसके जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट करती है. ठीक है, द इनकॉर्पोरेशन कैन बी फाउंड मोर एट द लेवल ऑफ कंटेंट फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन, एस्पेशली सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी से तो सबसे ज़्यादा लिया ही हुआ है इन्होंने. दिस अप्रोच defines both problems and phenomena together. A psychologist maintains his investigative focus on the individual against a background of contextual factors. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन एक इंडिविजुअल पे फोकस रखता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है, उसका कंटेक्स्ट जो है, उसको उसको साथ में लेके चलता है. तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम द इंटर डिसिप्लिनरी परस्पेक्टिव सोशल साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल रिलेटेड टू सोशल सिस्टम. तो सोशल साइकोलॉजी की हमने बहुत सारी डेफिनेशन देख ली हैं, ये भी उसमें से एक दी हुई है यहाँ पे. और चार लेवल पे डिफाइन करेंगे, पर्सनल एट्रीब्यूट पे, एक्चुअल सिचुएशन इन विच साइकोलॉजिकल फिनोमिना इज स्टडी उसकी सिचुएशन पे बेस्ड, रेफरेंस टू पीपल सोशल पोजिशन एंड आइडियोलॉजीज एंड बिलीफ सिस्टम टू विच दे आर अडियर. तो चार यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे एक पर्सन की, इंडिविजुअल की स्टडी करी जाती है. उसके बाद इफ वन लुक्स एट द रिसेंट डेवलपमेंट वन में फाइंड आउट दैट ऑल ऑफ देम ट्रांसलेट अ नैरो डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी. ऑल ऑफ देम रिक्वायर दैट देयर प्रोपोनेंट्स बी वर्स्ड इन वन और मोर नेबरिंग डिसिप्लिन्स. अबव ऑल सोशियोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी टुगेदर विद एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी एंड लिंग्विस्टिक. मतलब ये चार ऐसे डिसिप्लिन्स हैं जिसको साथ में लेके एक प्रॉपर सोशल साइकोलॉजी का वो बनता है, फील्ड ऑफ स्टडी बनती है. इसमें एंथ्रोपोलॉजी भी क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये है कि पहले पास्ट में किस तरीके से ह्यूमन बिहेव करते थे, किस तरह का कल्चर होता था. पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स, और उसमें भी लोगों के बारे में ही पढ़ा जाता है. फिलॉसफी में उनकी थिंकिंग, और लिंग्विस्टिक में लैंग्वेजेस. तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल्स के ऊपर ही स्टडी हो रही है. तो ये चारों चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं सोशल साइकोलॉजी की अपनी खुद की स्टडी पूरी होने में. तो सबसे पहले सोशियोलॉजी लिया हुआ इन्होंने. सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी की स्टडी करते हैं. यहाँ पे बेसिकली फोकस तो होता है सोसाइटी होता है. एंड सोशियोलॉजी इज द सोशल साइंस डीलिंग विद सोशल सिस्टम स्ट्रक्चर. ये सब जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सोशल साइंस में क्या चीज़ स्टडी करी जाती है. जॉन स्टुअर्ट मिल, अगस्ते कॉम्ते एंड अदर्स लेड द फाउंडेशन फॉर सोशल साइकोलॉजी बाय असर्टिंग दैट ह्यूमन सोशल कॉग्निशन एंड बिहेवियर कुड एंड शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली लाइक अदर नेचुरल साइंस. बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल ने, अगस्त कॉम्प्टे ने ये बोला था कि जो ह्यूमन का सोशल बिहेवियर है ना, उसका जो कॉग्निशन है और उसका जो बिहेवियर है, उसको भी साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए जैसे दूसरी साइंस में करते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने एक फाउंडेशन बना दी थी सोशल साइकोलॉजी की. सोशल सोशियोलॉजिस्ट बिगिन विद द डोमेन ऑफ सोसाइटी एंड वर्क्स टूवर्ड्स द इंडिविजुअल वाइल अ सोशल साइकोलॉजिस्ट रिवर्सेस द ऑर्डर. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. अगर एक सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करेगा तो पहले सोसाइटी से शुरू करेगा, फिर इंडिविजुअल पे पहुंचेगा. लेकिन अगर सोशल साइकोलॉजिस्ट शुरू करेगा तो वो पहले इंडिविजुअल को स्टडी करेगा, फिर उसकी सोसाइटी पे जाएगा. तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लाइन. उसके बाद सोशल साइकोलॉजी एक्सचेंजेस फ्रीली आइडियाज, मेथड्स एंड मॉडल्स विद सोशियोलॉजी. तो इसके अंदर जो मॉडल्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो सोशियोलॉजी से लिए हुए हैं. तो यहाँ पे क्योंकि उसके बिना सोसाइटी की स्टडी तो हो ही रही है, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा. बीइंग द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, द वेंटेज पॉइंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज मोर प्रोन टू द इंडिविजुअल. तो यहाँ पे ज़्यादा जो फोकस है वो इंडिविजुअल पे है, लेकिन सोसाइटी को साथ लेके है. सोशल साइकोलॉजी इज अडॉप्टिंग अदर मेथड लाइक एथनोग्राफी, क्वालिटेटिव रिसर्च. लेकिन अब धीरे धीरे इसमें भी सोशियोलॉजी से और चीज़ें ऐड होती जा रही है. जैसे एथनोग्राफी क्या होता है, जब हम एथनिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किसी एथनिक ग्रुप के बारे में, एथनिक ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी से लिया हुआ है.
ऐसी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हम क्वालिटेटिव मतलब होता है जिसमें हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उससे ली हुई हैं सोशियोलॉजी से. फिर आता है सोशल साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी. तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी मैंने बताया था उसमें भी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ही होती है बेसिकली, स्टार्टिंग से लेके अभी तक के जब हम बहुत ज़्यादा प्राइमेट टाइम पे हमारा जो कल्चर था क्या था, उस तरह हम कैसे बिहेव करते थे और आज के टाइम में कैसे चेंजेस आए हैं, ये सब चीज़ें हैं. ऑल एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क इज़ द कंसर्न ऑफ मैपिंग ह्यूमन वेरिएशन बायोलॉजिकल बिहेवियर कल्चर, कैसे कैसे हमारे अंदर चेंजेस आए हैं बायोलॉजिकली बिहेवियर वाइज कल्चर वाइज. द मेन टॉपिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर प्रिमिटिव सोसाइटी, जो एंथ्रोपोलॉजी होती है ना वो प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी करती है, बहुत पहले जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके बारे में, उनका कल्चर, फिर ह्यूमन स्पीशीज के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी, एवोल्यूशन कैसे हुई. सोशल साइकोलॉजी उसका यूज़ करती है, कैसे, सोशल साइकोलॉजी कैन मेक अ गुड यूज़ ऑफ द थ्योरीज अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी, जो जो एंथ्रोपोलॉजी स्टडी कर चुकी है हमारे पहले के पास्ट के बारे में, वही सारी स्टडी को यूज़ करके सोशल साइकोलॉजी हमारे प्रेजेंट बिहेवियर के ऊपर एनालाइज कर सकती है. तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देती है सोशल साइकोलॉजी को फर्दर आगे डेवलप करने के लिए. उसके बाद है सोशल साइकोलॉजी एंड सोशियो लिंग्विस्टिक. लिंग्विस्टिक मतलब जो लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं. तो ये जो सोशो लिंग्विस्टिक होते हैं ये क्या पढ़ते हैं, इंक्लूड दी एरियाज ऑफ स्टडी विच कनेक्ट लैंग्वेज विद द सोसाइटी, कि सोसाइटी में लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, पहले क्या लैंग्वेज होती थी, धीरे धीरे हमारी लैंग्वेजेस कैसे एडवांस होती गई. सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज इन सोसाइटी. तो अब जैसे ये सोशो लिंग्विस्टिक है, ये वाला डिसिप्लिन सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ता है. सोशियो लिंग्विस्ट इज सेंट्रली कंसर्न विद मैथोडोलॉजी, इट इज फॉर्मली बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्चुअल प्रेफरेबली स्पॉन्टेनियस स्पीच बिहेवियर. बेसिकली यहाँ पे लिंग्विस्टिक है ना, तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक ज़्यादातर स्पीच बिहेवियर पे फोकस करते हैं, बोलने के तरीके पे, लैंग्वेज पे. तो इसकी जो स्टडीज हैं उनसे हमें लैंग्वेज यूज के बारे में पता चला है, बिहेवियर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी के बारे में पता चला है. The study of language contributes not only in terms of language behavior, but a rich data helps in building theories. और उससे काफ़ी सारी theories भी बनी हैं. The field of sociolinguistics equally borrows theory from social psychology to draw inferences about behaviors from linguistic data. तो लैंग्वेज के use से भी बहुत ज़्यादा सोशल साइकोलॉजी को हेल्प मिली, और सोशियो लिंग्विस्टिक्स को भी सोशल साइकोलॉजी से बहुत हेल्प मिली है बिहेवियर को स्टडी करने में और उनके लैंग्वेजेस को स्टडी करने में. तो इसके बाद ये ख़त्म होता है यूनिट वन, और ये कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप अपने आप करोगे, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बतानी है, रिलेशन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी है, फिर सोशल साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी है, और सोशल साइकोलॉजी एंड सोशल लिंग्विस्टिक. और यहाँ पे ये इसकी समरी है चैप्टर की, जो भी हमने पूरा यूनिट डिस्कस किया है. तो ये ख़त्म होता है यहाँ पे. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक वन का यूनिट टू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.